हेलो एंड वेलकम बैक टू जेनिक। जैसे कि हमने ट्रांजिस्टर का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, हमने ट्रांजिस्टर सिर्फ बेसिक पढ़ा है, हमने ट्रांजिस्टर का पढ़ा कि एक्टिव विजन कब लाई करता है। आज हम ट्रांजिस्टर की यहाँ पे वर्किंग देखते हैं। तो देखो ये ट्रांजिस्टर की वर्किंग यहाँ कैसे आ गई मेरे पास। ये अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये मैंने लिया यहाँ पी, यहाँ पे मैंने लिया एन और यहाँ पे मैंने लेके लिया पी, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा इस फॉर्म में, ये मेरे पास यहाँ से बेस आ गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ से क्या होगा, ये रिवर्स बाई जंक्शन होगा, ये मेरे पास यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, इसी फॉर्म में लाई करेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरे पास यहाँ से क्या हुआ फॉरवर्ड बायस्ड, और ये मेरे पास यहाँ से क्या हुआ रिवर्स बायस, ये जंक्शन वन और ये जंक्शन मेरे पास यहाँ पे टू, ठीक है। सिंपल सी वर्किंग है, हमने सिर्फ वर्किंग देखनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पढ़ना है कि टू पोर्ट नेटवर्क कैसे लाई करता है मेरे पास ट्रांजिस्टर में। टू पोर्ट नेटवर्क मतलब कि इनपुट और आउटपुट कैसे आएगा मेरे पास यहाँ पे। उसके साथ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे लास्ट में कि हमारे पास कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में डिफरेंस क्या आता है, और अल्फा बीटा गामा का रिलेशन याद रखना बस। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछेंगे आपको। मैं जैसे कि लास्ट से क्वेश्चन देख रहा हूँ उसमें आपको क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं कि मेरे पास करंट एम्पलीफिकेशन कैसे होते हैं मेरे पास इन केस ऑफ मेरे पास कॉमन एमिटर में या कॉमन कलेक्टर में या कॉमन बेस में, ठीक है। वो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पूछा हुआ है कि अल्फा मेरे पास किस में यूज होता है, और आप क्वेश्चन पूछा हुआ कि मेरे पास किसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है और किसकी इनपुट इम्पीडेंस लो होती है। तो आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं नीचे कि सर आप बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल लेवल का ही पढ़ा रहे हैं, कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भाई जैसा एग्जाम है वैसे ही पढ़ना है ना, हमने इतना डिटेल में लेकर नहीं जाना। जब आप सीबीटी वन भी देखे होगा तो आपको पता लगेगा कि सीबीटी वन भी मेरे पास बिल्कुल ही लो लेवल का आया हुआ है। लो लेवल ही बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि जो एग्जाम है या जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, ये एग्जाम डिप्लोमा वालों के लिए होता था किस टाइम पे, आज के टाइम तो इसको सिर्फ मेरे पास बीटेक वाले स्टूडेंट फिल कर रहे हैं। तो ये एग्जाम उन्हीं के लेवल के हिसाब से डाला हो भाई, इसमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास कि यार बिल्कुल आसान बता दिया, ठीक है, जब बिल्कुल हाई लेवल बता दिया। मैं आपको यहाँ कल को बोलो आप मेरे को, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम कराना सॉल्व कर दूँ, ठीक है, मैं आपको सारी डेरिवेशन सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूँ, गेट के दो तीन क्वेश्चन करवा दूँ, तो फिर आपको पता लगेगा कि सर ये कैसे दोनों के बीच में लेवल का डिफरेंस आ रहा है। तो जितना आपका लेवल है एग्जाम का उसी लेवल की ही तैयारी करनी है भाई, ज़्यादा लेवल लेके नहीं जाना है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ आपको कि जो 10 क्वेश्चन आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे तो नियर अबाउट 7 से 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ पे अटैम्प होंगे मतलब ठीक होंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको तभी लगेंगे कि अगर आपको हर एक कंसेप्ट का यहाँ पे तरीका पता होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर 8-10 में से 7 क्वेश्चन की बात करूँ, 7 क्वेश्चन तो मैंने आपको यहीं पर करवा दिए होंगे, तो 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होंगे यार जो आपको थोड़ा घुमा फिरा के दिए होंगे, तो वो आपने खुद से ही करने हैं, ठीक है, उसमें मेरा कोई वहाँ पे आपका रोल नहीं रहेगा, समझ आया इतना। हाँ अगर बोलो कि 100 नंबर का पेपर है 3 घंटे पेपर करना है तो वहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं यार, और वैसे भी जब से मेरे पास ये सीबीटी वाला जो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हुए हैं तो मेरे पास न्यूमेरिकल कम हो गया। और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको फिर से कि इसमें इंटरव्यू नहीं होना है, ठीक है, कि कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि सर इंटरव्यू कब होगा इसका, सीबीटी 2 के बाद इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। सर इंटरव्यू नहीं होना आपका, इतनी टेंशन मत लेना चीज की। तो आपके पास सिंपल सा मौका है, सिर्फ 2 ही पार्ट आपके होने हैं, उसके बाद सीधा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इसकी बात करें वर्किंग की, तो हम देखो हमारे पास यहाँ पे जो इमोबाइल कैरियर्स थे, मैं मोबाइल कैरियर की बात कर रहा हूँ, पी टाइप में मेरे पास होल आते हैं, क्या था मेरे पास यहाँ पे होल्स, ये मोबाइल कैरियर की बात कर रहा हूँ जो मूव करते हैं, इमोबाइल कैरियर मूव नहीं करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, आपको पता मेरे पास अगर मैं कलेक्टर और एमिटर रीजन देखूं तो कलेक्टर और एमिटर रीजन के हिसाब से मेरे पास जो मेरे पास बेस रीजन है वो मेरे पास बहुत ही लाइटली डोप होता है, क्या होता है बहुत ही लाइटली डोप। जैसे मैंने आपको बताया था अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे मेरे पास यहाँ पे 2 कंबाइन होंगे आगे कितने जाएंगे 98, इसका मतलब उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है, तो मतलब बिल्कुल ही लाइटली डोप है मेरे पास वो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्या चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, ये होल लिखो पॉजिटिव लिखो एक ही मतलब है। अब देखो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, ये कौन सी करंट की यहां से एमिटर करंट, कौन सी करंट की यहाँ पे एमिटर करंट, और मेरे पास ये सर्किट इस फॉर्म में लाइक किया तो यहां पे कौन सी करंट आ रही है मेरे पास बेस करंट, कौन सी करंट आ रही है बेस करंट। तो मेरे पास ये पॉजिटिव जो मेरे पास चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी मेरे पास इस चार्ज को यहां पे खींचेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल मेरे पास इसको आगे धकेलेगा,
यही होगा मतलब, ये पॉजिटिव वाला इस होल को आगे धकेलेगा। जब ये पॉजिटिव वाले मेरे पास यहां पहुंचेंगे बेस रीजन में, तो मेरे पास जो बेस रीजन में पहुंचने के बाद ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होंगे, ठीक है। सपोज मेरे पास यहां से 100 पॉजिटिव चार्ज कहां गए, आगे मूव किए, मेरे पास यहां पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज से कंबाइन होंगे वो, तो मेरे पास यहां पे कितने बच गए 98 पॉजिटिव चार्ज, 98 पॉजिटिव चार्ज। अब ये जंक्शन मेरे पास यहां पे रिवर्स बायस है, ये वाला मेरे पास जो टर्मिनल है पॉजिटिव वो इस पॉजिटिव चार्ज को आगे धकेलेगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल मेरे पास यहां पे पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो उसका मतलब मेरे पास जो यहां पे रिवर्स बायस था, मेरे पास क्या हुआ, जब मैंने इसको रिवर्स बायस किया, इसने पॉजिटिव चार्ज को यहां खींचा, तो मेरे पास जो मेरे पास इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे होल्स मेरे पास आगे मूव कर रहे थे, मेरे पास पूरे सर्किट में यहां पे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे पास यहां पे कौन सी करंट आएगी, ये कलेक्टर करंट। क्या मेरे पास ये कलेक्टर करंट, अगर आप रिलेशन देखो तो IE मेरे पास इक्वल्स टू IB प्लस IC, यही रिलेशन आ रहा है मेरे पास, यहां की रिलेशन आएगा IE इक्वल्स टू IB प्लस IC की फॉर्म में रिलेशन आया यहां से मेरे पास। यहां से मेरे पास रिलेशन और भी दो बन सकते हैं इसके, ठीक है। यहां पर रिलेशन आया IB इक्वल्स टू IE माइनस IC, जहां पर सोच लिखता हूं मैं IC इक्वल्स टू IE माइनस IB, ये तीनों एक ही रिलेशन है, सिर्फ मैंने इनको आपस में एक जगह पे मूव किया हुआ है। ये मेरे पास होगा यहाँ पे PNP के लिए, अगर NPN के लिए देखो, देखो मेरे पास यहाँ क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे NPN की वर्किंग देखूं, ये मत बोलना कि सर आप तीनों का मेरे पास रीजन सेम बना रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन आपको पता कि वर्किंग होती कैसे एक्चुअल में। ये मेरे पास कैसा हुआ यहाँ पे फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और ये मेरे पास यहां कैसा हुआ रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ये यहां पे क्या हुआ रिवर्स बायस, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस फॉर्म में लाइक किया। अब देखो मेरे पास यहां पे क्या होंगे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां मेरे पास क्या होंगे कुछ होल्स, और यहां मेरे पास फिर से क्या होंगे। सबसे पहले मैं अगर इस रीजन की बात करूं, तो देखो मेरे पास ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो करंट की डायरेक्शन तो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इस फॉर्म में रहती है, यहां से IB एंटर होगी और यहां से मेरे पास IE निकलेगी, क्योंकि एमिटर है, ये बेस है, और ये मेरे पास कलेक्टर है, यहां पे भी सेम रहेगा, ये मेरे पास एमिटर, ये बेस, और ये मेरे पास कलेक्टर। इस जंक्शन का यहां पे नाम आएगा J1, क्या आएगा यहां पे J1, इसका नाम यहां पे क्या आएगा J2, क्या आएगा यहां पे J2। अब यहां पे मेरे पास क्या हुआ देखो, जब मैंने इसको यहां पे फॉरवर्ड बायस किया, इस इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, ये कुछ होल्स मेरे पास इस फॉर्म में मूव करेंगे इधर, तो मेरे पास जो यहां से मेरे पास नेगेटिव चार्ज यहां पहुंचा, वो यहां पे कुछ मेरे पास होल से कंबाइन करेगा, कुछ होल से कंबाइन करेगा, और बाकी मेरे पास रिवर्स बायस होने की वजह से जब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे सारे, तो सारे के सारे कहां मूव करेंगे आगे फिर से, तो मेरे पास करंट कहां आएगी नीचे, कैसे मेरे पास मूव करेगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव किए इस फॉर्म में, अब मेरे पास ये रिवर्स बायस होने की वजह से इसकी जो मेरे पास बेस विड्थ है बहुत कम है, बेस विड्थ बहुत कम है, मतलब मेरे पास यहां पे जो बेस विड्थ बहुत कम होगी, उसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, जो रिवर्स बायस होने की वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव चार्ज को कहां खींचेगा अपनी तरफ, तो मेरे पास ये सारे कहां मूव करेंगे आगे फर्दर, तो मेरे पास यहां पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, इसी फॉर्म में रहेगी। अब देखो मेरे पास यहां क्या होगा, ये करंट इस फॉर्म में, ये करंट यहां पे इस फॉर्म में है, अब यहां पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो मेरे पास जैसे यहां नेगेटिव कनेक्टेड था करंट बाहर आ रही थी, अब यहां पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो करंट मेरे पास कहां जाएगी यहां पे इनसाइड, कहां जाएगी यहां पे इनसाइड, तो मेरे पास यहां से क्या बना देखो, ये बना मेरे पास यहां आईसी इनपुट है, आईसी इनपुट, और मेरे पास यहां से आईबी इनपुट, आईसी और आईबी मेरे पास यहां पे दोनों क्या है इनपुट, वो मेरे पास यहां किसके इक्वल हुई आई ई के, किसके इक्वल हुई आई ई के, तो दोनों रिलेशन मेरे पास यहां पे सेम आ गए, तो भी मैंने यहां पे इसको बनाया था कल, मेरे पास रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको यहां पे, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, ये बेस, ये कलेक्टर, और ये मेरे पास है यहां पे एमिटर। अब एमिटर देखो मेरे पास एमिटर में करंट एंटर हो रही है, तो मेरे पास ये कौन सा था, ये मेरे पास पीएनपी था, ठीक है, पीएनपी वाले केस में एमिटर में करंट एंटर हो रही है, तो एमिटर में करंट यहां से क्या होगी एंटर, करंट यहां पे क्या होगी एंटर, ये साइन बनता है मेरे पास पीएनपी का, आपको यही देख के पता लगता है कि मेरे पास ये पीएनपी है। और उस वाले केस में देखो मेरे पास क्या, यहां से अगर मैं यहां देखता हूं,
ठीक है, यहाँ पे ये साइन लगाया होता है, ये साइन होता है मेरे पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर का, ये निकल रहा है बाहर, आपने याद रखना है यहां से निकल रहा है, तो निकलने का मतलब एन, तो निकलने का मतलब एनपीएन, क्या मतलब यहां पे एनपीएन, तो मेरे पास ये कौन सा ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये कौन सा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, कौन सा मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। और आपको यहां पता है मेरे पास एमिटर करंट की डायरेक्शन क्या है, मेरे पास यहां पे ये डायरेक्शन है एमिटर करंट की, और यहां पे एमिटर करंट की डायरेक्शन है इस फॉर्म में। बेस करंट की बात करूं, बेस करंट मेरे पास बाहर आ रही है, तो बेस करंट यहां से क्या होगी आईबी, और कलेक्टर करंट भी बाहर आ रही है, तो कलेक्टर करंट मेरे पास क्या होगा यहाँ पे आई सी। यहाँ मेरे पास क्या है कलेक्टर करंट इनपुट जा रही है आई सी, और मेरे पास यहाँ पे जो आई बी है वो भी मेरे पास इनपुट जा रही है, उसका मतलब है यहाँ पे आई बी की फॉर्म। तो ये मेरे पास क्या बना यहाँ पे, ये मेरे पास बना यहाँ पे ट्रांजिस्टर की वर्किंग, ट्रांजिस्टर की वर्किंग। अगर हम आगे देखते हैं तो आगे मेरे पास एक टॉपिक आता है यहाँ पे टू पोर्ट नेटवर्क, क्या आता है टू पोर्ट नेटवर्क। अगर मैं टू पोर्ट नेटवर्क की बात करूँ तो टू पोर्ट नेटवर्क मेरे पास क्या होता है, जिसमें मेरे पास लाइन इस फॉर्म में आती है और आउटपुट मेरे पास इस फॉर्म में आता है, ठीक है। मेरे पास दो टर्मिनल इनपुट्स के लिए होते हैं, दो टर्मिनल मेरे पास किसके लिए होते हैं आउटपुट के लिए, इसे बोलते हैं यहाँ पे टू पोर्ट नेटवर्क, क्या बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। अब यहाँ देखो मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल वन, टर्मिनल थ्री, टर्मिनल फोर और टर्मिनल मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ टू, ये हुआ। इन दोनों के क्रॉस मेरे पास यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज इनपुट, इन दोनों के क्रॉस मेरे पास यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज आउटपुट, यहाँ से करंट एंटर होगी आई वन, यहाँ से करंट एंटर होगी मेरे पास, यहाँ से करंट निकलेगी मेरे पास उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे आई टू। ये मेरे पास है यहाँ पे टू पोर्ट नेटवर्क। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर मेरे पास एज ए टू पोर्ट नेटवर्क काम कर रहा है, हाँ कर रहा है। कैसे कर रहा है मेरे पास, मेरे पास इससे और इससे इनपुट और इस पर मेरे पास दूसरा टर्मिनल लगा हुआ है, मतलब मेरे पास क्या है इन दोनों के क्रॉस मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, इन दोनों के क्रॉस मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, तो मतलब मैं यहाँ से अगर इनपुट दूँ यहाँ से आउटपुट लूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसा वर्क करेगा एज ए टू पोर्ट नेटवर्क, एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। तो किसी भी एक टर्मिनल को अगर मैं कॉमन रखूंगा तो मेरे पास ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पीएनपी की, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर की, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हाँ एग्जाम में कुछ पूछा गया हुआ है कि पीएनपी और एनपीएन में हम सबसे ज्यादा यूज किसको करते हैं, तो पीएनपी और एनपीएन में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एनपीएन को, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो एज कम्पेयर टू होल मोबिलिटी मेरे पास क्या होती है ज्यादा, क्या होती है ज्यादा, तो इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर हम ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो यहाँ मेरे पास क्या हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर, कौन सा हुआ पीएनपी। सबसे पहले मैं अगर बेस को कॉमन लू, अगर यहाँ पे बेस को कॉमन लू, अगर मैं बेस को कॉमन लू तो इसके क्रॉस इनपुट और इसके क्रॉस आउटपुट लेना पड़ेगा, इसके क्रॉस इनपुट इसके क्रॉस आउटपुट लेना पड़ेगा। अगर मैं कलेक्टर कॉमन लूँ तो कलेक्टर वाले केस में इन दोनों के क्रॉस इनपुट और मेरे पास इन दोनों के क्रॉस यहाँ पे आउटपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बेस को उसको एमिटर कॉमन लूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा इन दोनों के क्रॉस इनपुट और इन दोनों के क्रॉस यहाँ पे आउटपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ वर्किंग कैसे लाई करेगी, अगर पी एन पी देखूँ मैं, सबसे पहले बात करूँ मैं यहाँ पे कॉमन बेस की, इसकी बात कर रहा हूँ कॉमन बेस की, तो देखो कॉमन बेस मेरे पास कैसा आएगा यहाँ पे, ये बेस आया, बेस करंट आई बी बाहर निकल रही है, ये टर्मिनल मेरे पास यहाँ बन गया कॉमन, ठीक है। तो मेरे पास इनपुट में यहाँ से क्या आएगा एमिटर, ये एमिटर और ये मेरे पास क्या है यहाँ से कलेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर नाम लेता हूँ मैं इसका वी वन, इसका नाम तो यहाँ से वी टू, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, ये टर्मिनल यहाँ हो गया मेरे पास, इसके क्रॉस जो मेरे पास वोल्टेज इनपुट होगी उसका नाम, ये मेरे पास अगर एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है बेस, ये मैंने लिया हुआ यहाँ पे कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर, कौन सा लिया हुआ है कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो मेरे पास एमिटर करंट इस फॉर्म में फ्लो कर रही है, कलेक्टर करंट इस फॉर्म में फ्लो कर रही है, कलेक्टर करंट इस फॉर्म में फ्लो कर रही है। तो देखो मेरे पास ये कौन सी है आई ऑफ ई, ये कौन सा आई ऑफ सी, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ी करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से ये हुआ मेरे पास ये एमिटर, ये बेस, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कलेक्टर, क्या हुआ यहाँ पे कलेक्टर। यहाँ से करंट फ्लो करेगी मेरे पास आई ई, यहाँ से आएगा मेरे पास आई बी, और यहाँ से आएगा मेरे पास आई सी, आएगा यहाँ से आई सी। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों के क्रॉस मैंने इनपुट लगाया होगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है वोल्टेज अक्रॉस एमिटर बेस, जब बेस एमिटर वोल्टेज अक्रॉस एमिटर बेस, जब बेस एमिटर, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा वोल्टेज अक्रॉस बेस कलेक्टर, क्या आएगा वोल्टेज अक्रॉस बेस कलेक्टर। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे कॉमन बेस, सी बी लिखते हैं यहाँ पे कॉमन बेस, मेरे पास कौन सा पी एन पी ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस पी एन पी ट्रांजिस्टर, या यहाँ से बेस कॉमन है और पी एन पी ट्रांजिस्टर, पी एन पी ट्रांजिस्टर में आई ई एंटर होती है और आई सी मेरे पास लीव करती है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास एक चीज पता लगी कि मेरे पास जो वोल्टेज यहाँ पे जो इनपुट है वो मेरे पास यहाँ किसे बोला है वोल्टेज ऑफ बेस एमिटर, जो वोल्टेज मेरे पास यहाँ पे आउटपुट है वो किसके बोला मेरे पास वोल्टेज ऑफ बेस कलेक्टर, और जो आई वन करंट थी मेरे पास वो इक्वल टू आई ई के, और जो मेरे पास आई सी करंट थी वो इक्वल टू मेरे पास आई टू के, क्योंकि आई सी मैंने आई वन यहाँ पे इनपुट और आई टू मैंने यहाँ पे आउटपुट करंट लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लाई करेगी आई वन इक्वल टू आई ई और आई टू इक्वल टू आई सी, ये मेरे पास यहाँ पे वो कॉमन बेस, कौन सा कॉमन बेस। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन बेस के बाद बात करूँ कॉमन कलेक्टर की, किसकी बात करूँ यहाँ कॉमन कलेक्टर की, तो कॉमन कलेक्टर वाले बेस केस में मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि मैंने इससे और इससे इनपुट दिया होगा और मैंने इससे और इससे आउटपुट, सॉरी इससे और इससे इनपुट दिया होगा और मैंने इससे और इससे यहाँ पे आउटपुट लिया होगा। देखो अगर मैंने इनपुट इन दोनों से देना है, अगर मैंने इनपुट इन दोनों से यहाँ पे देना है तो मेरे पास यहाँ पे कैसे डायग्राम बनेगी, मैं एमिटर को इस साइड लूंगा और मैं कलेक्टर को यहाँ पे इस साइड लूंगा और दूसरी साइड में यहाँ पे एक तो बेस से लूंगा और दूसरी साइड में यहाँ पे कलेक्टर से लूंगा। देखो यहाँ कैसा आएगा मेरे पास, यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगी मेरे पास, एमिटर उस साइड कलेक्टर उस साइड, ठीक है। चलो हम उससे पहले यहाँ कर लेते हैं कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर कर लेते हैं यहाँ पे। अब कॉमन एमिटर यहाँ पे हम करें तो इन दोनों से यहाँ पे इनपुट और इन दोनों से यहाँ पे आउटपुट लेना पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ कैसा आएगा, देखो ये मेरे पास आया यहाँ पे कॉमन कलेक्टर वाला, सॉरी कॉमन एमिटर वाला, ये मेरे पास यहाँ से गया आई सी, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे गया आई ऑफ ई, तो देखो मेरे पास यहाँ से क्या है कॉमन एमिटर है मेरे पास यहाँ पे, तो ये मेरे पास यहाँ पे बेस है और ये मेरे पास क्या है एमिटर और ये मेरे पास यहाँ पे दोनों क्या है कलेक्टर, यही है मेरे पास यहाँ पे एमिटर कलेक्टर, तो ये मेरे पास क्या हुआ एमिटर, ये मेरे पास हुआ बेस और ये मेरे पास यहाँ से क्या हुआ कलेक्टर टर्मिनल, क्या हुआ यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल। अब यहाँ से इस चीज़ का पता लगे मुझे, मुझे वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर लेना है, वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर लेनी मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ मुझे क्या लेना है वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमिटर, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमिटर, ये मुझे यहाँ पे दो वैल्यू लेनी है, यहाँ पे मुझे दो वैल्यू लेनी है। अब और मेरे पास यहाँ से देखो क्या आएगा, इस करंट की डायरेक्शन आएगी मेरे पास आई ई ऊपर, ठीक है, और जो मेरे पास बेस है बेस करंट मेरे पास यहाँ से बाहर निकलती है आई बी की डायरेक्शन, और यहाँ मेरे पास क्या आएगा कलेक्टर, ये मेरे पास यहाँ से क्या होगा आई ऑफ सी की डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर पी एन पी, सॉरी कॉमन एमिटर पी एन पी ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर पी एन पी ट्रांजिस्टर, ये दूसरा मेरे पास यहाँ से आया कॉमन एमिटर पी एन पी ट्रांजिस्टर, और यहां से मेरे पास देखो और क्या बनेगा, यहां से मेरे पास जो वोल्टेज इनपुट है वो इक्वल मेरे पास आएगा वोल्टेज बेस एमिटर, ठीक है, और जो वोल्टेज मेरे पास आउटपुट है वो इक्वल टू वोल्टेज कलेक्टर एमिटर, और आई वन इक्वल टू मेरे पास आई बी और आई टू इक्वल टू मेरे पास आई सी की फॉर्म में, आई टू इक्वल टू मेरे पास आई सी की फॉर्म में, ये मेरे पास बना कॉमन एमिटर पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये हमारे पास होगा कॉमन एमिटर। अगर कॉमन कलेक्टर की बात करें तो कॉमन कलेक्टर में देखो मुझे यहाँ पे कलेक्टर कॉमन रखना है, तो कलेक्टर कॉमन रखने का मतलब कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर में
कोलेक्टर कॉमन, मतलब कोलेक्टर नीचे आएगा, मतलब इस डायग्राम को पूरा इस तरह से कर दो, तो कैसे मेरे पास डायग्राम बनेगी, देखो ये मेरे पास यहां बना, ये कॉमन, अगर यहां पे मैं इस साइड ले लूं तो मतलब ये मेरे पास यहां पे एमिटर, और ये मेरे पास आ गया बेस, और ये मेरे पास यहां पे आ गया कोलेक्टर, ये मेरे पास कोलेक्टर आया यहां पे, तो मैंने इन दोनों के क्रॉस यहां से लेना आउटपुट, और इन दोनों के क्रॉस यहां से मैं लेना इनपुट, ये आया वीबीसी, वीबीसी बेस और कोलेक्टर से वोल्टेज इनपुट, और यहां मेरे पास क्या आएगा वीसीई, कोलेक्टर मीटर से मेरे पास यहां पे वोल्टेज आउटपुट, कोलेक्टर मीटर से यहां वोल्टेज आउटपुट, और दूसरा मेरे पास यहां से क्या हुआ, ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, जो मेरे पास एमिटर करंट है वो आई इस फॉर्म में आ रही है, ये क्या मेरे पास आई, ठीक है, दूसरी मेरे पास यहां पे क्या है कोलेक्टर करंट, कोलेक्टर करंट बाहर निकलती है, तो कोलेक्टर करंट यहां पे कैसे रहेगी आईसी की फॉर्म में, और तीसरी मेरे पास बेस करंट, बेस करंट यहां कैसे रहेगी मेरे पास आईबी की फॉर्म में, क्या रहेगी यहां पे आईबी की फॉर्म में, तो बना मेरे पास यहां से देखो क्या, यहां से बना वोल्टेज वन, वोल्टेज इनपुट इक्वल टू वीबीसी, दूसरा बना मेरे पास यहां पे वोल्टेज आउटपुट इक्वल टू वीसीई, तीसरा मेरे पास बना यहां पे वोल्टेज सॉरी आई वन इक्वल टू आई बी, और दूसरा बना मेरे पास यहां पे आई टू इक्वल टू आई ई की फॉर्म में, ये मेरे पास यहां पे क्या बना, सिर्फ ये बना कॉमन कोलेक्टर, कॉमन कोलेक्टर पी एन पी ट्रांजिस्टर, कॉमन कोलेक्टर पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये चीज समझ आई आपको यहां से, अगर मैं ये एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अब मैं आपको आगे यहां पे इसी में कुछ चेंज करके आपको एन पेन बना दूंगा, ठीक है, यहां पर अगर मैं एन पेन की बात करूं, देखो एन पेन में यहां क्या आएगा, ठीक है, ये मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक, देखो एन पेन ट्रांजिस्टर बात किया, एन पेन मतलब यहां पे एमिटर से निकलता है, यहां पे एमिटर से करंट निकलती है, तो अगर एमिटर से यहां करंट निकल रही है, ये मेरे पास क्या हुआ आई ऑफ ई, ये मेरे पास क्या हुआ आई ऑफ ई, ये साइन मेरे पास शो करा यहां पे एन पेन ट्रांजिस्टर का, दूसरा मेरे पास यहां पे बेस करंट क्या होती है एंटर, बेस करंट यहां पे क्या होती है एंटर, और कलेक्टर करंट मेरे पास यहां पे क्या होती है वो मेरे पास यहां पे एंटर होती है, ये मेरे पास यहां पे क्या हो गया कॉमन बेस, यहां पे एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर, और बाकी मेरे पास वो पैरामीटर सारे सेम ही रहेंगे, ये मेरे पास का आईई, ये मेरे पास है आईबी, और ये मेरे पास यहां पे क्या आईसी, ठीक है, अगर मैं यहां पे आऊं तो मेरे पास यहां पे फिर से वही आएगा, मेरे पास एमिटर करंट यहां से बाहर निकलती है, ये मेरे पास का आई एमिटर, बेस करंट मेरे पास यहां क्या होता है बेस करंट एंटर होती है मेरे पास एनपीएन में, बेस करंट मेरे पास यहां पे क्या होती है एंटर, ठीक है, और यहां से कलेक्टर करंट मेरे पास यहां पे क्या होती है एंटर, कलेक्टर करंट मेरे पास यहां पे क्या होती है एंटर, और बाकी सारे पैरामीटर सेम रहने हैं, यहां पे कॉमन एमिटर की जगह पीएनपी की जगह एनपीएन हो जाएगा, कॉमन एमिटर पीएनपी ट्रांजिस्टर, और अगर यहां देखू मैं फिर से मेरे पास यहां पे क्या होगा बेस करंट यहां पे एंटर होगी, एमिटर करंट यहां से बाहर निकलेगी, एमिटर करंट यहां पे बाहर निकलेगी, और लास्ट मेरे पास यहां से क्या आएगा जो मेरे पास यहां पे कलेक्टर करंट है वो मेरे पास यहां पे क्या होगी इनपुट, ठीक है, ये मेरे पास हुआ कॉमन कलेक्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ये मेरे पास यहां पे बना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आप चाहे बात करो मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर से, चाहे बात करो मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर से, ठीक है, तो आज हमने यहां पे पढ़ा कि मेरे पास ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे लाई करती है, और दूसरा हमने यहां देखा कि ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क कैसे काम करता है, ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो कॉमन एमिटर कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के बीच में आपको डिफेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफेंस मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती कैसे, तो आपने यही बनानी है वहां पे, ठीक है, बैटरी यहां पे कनेक्ट कर दो इनपुट, यहां पे आउटपुट कनेक्ट कर दो, आ गया वहां से आपका आंसर, और आपको पूछेंगे मेरे पास कि इनपुट इंपीडेंस किसकी हाई होती है, आउटपुट इंपीडेंस किसकी हाई होती है, किसका मेरे पास गेन ज्यादा आता है, किसका गेन कम आता है, किसकी एम्पलीफिकेशन ज्यादा होती है, किसकी एम्पलीफिकेशन कम होती है, तो ये सारे फैक्टर आपको यहां पूछेंगे, और कॉमनली हम यूज क्वेश्चन करते हैं यहां पे कॉमन एमिटर, ठीक है, ये चीजें आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहां पे थोड़ा सा डिफेंस पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं मेरे पास किसके रिलेटेड ट्रांजिस्टर के रिलेटेड, ठीक है, तो उसके बाद हम आगे एफईटी पे जाएंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।